हूँ, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बहुत सोचा मैंने कि क्या बनाऊं जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। तो मुझे मेरे बचपन की एक रेसिपी याद आई जो मेरी मम्मी हमारे लिए बनाती थी और मुझे बहुत पसंद थी, बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में और बहुत टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी। एक्चुअली आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी यानी तीसी या फ्लैक्स सीड जो भी कहना चाहें आप या जो भी कहते हैं उनकी, और गुड़ की पूड़ियाँ। एक्चुअली फ्लैक्स सीड के बहुत सारे फायदे हैं, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है इसमें और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, वेट भी कंट्रोल करता है ये, और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं फ्लैक्स सीड के। और गुड़ के फायदे तो आप जानते ही हैं, गुड़ भी बहुत रिच सोर्स है आयरन का। तो चलिए बनाते हैं आज हम लोग अलसी की पूड़ियां, जो हमेशा पहले मेरी मम्मा हम लोगों के लिए बनाती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट है इसमें, केवल फ्लैक्स सीड और गुड़। एक बोल फ्लैक्स सीड लिया है हमने छोटे बोल से, और उतना ही क्वांटिटी में जितना आप फ्लैक्स सीड लेंगे उतना ही गुड़, और एक कटोरी मैदा डो बनाने के लिए, और थोड़ा सा 3-4 टीस्पून देशी घी मोयन के लिए, मैदे के लिए। और फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे 250 ml रिफाइंड ऑयल और या ऑलिव ऑयल जो भी। चलिए सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बिना घी के, एक ड्रॉप भी घी नहीं डालना है, हम इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे। हम इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इससे सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे, थोड़ी देर लगभग 5 मिनट के आसपास इसको रोस्ट करना होगा, उसके बाद हम फ्लैक्स सीड को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रोस्ट हो गई है, इससे सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी है, इसको हम निकाल लेंगे एक बोल में और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर हम गरम गरम फ्लैक्स सीड पीसेंगे मिक्सर में तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्लैक्स सीड को हमने ठंडा होने के लिए रखा है, अच्छी तरह से उसको ठंडा होने दीजिए, तब तक हम अपना डो बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा डो एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बन के तैयार हो गया है। इसमें हमने जो देशी घी रखा था उसका मोयन दिया है, अगर आप ना चाहें मोयन देना, ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहें इसे, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए पूरियों में हम ये मोयन देते हैं। तो देखिए मोयन हो गया, अब इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे एक तरफ ताकि हमारा मैदा पूरी तरह से ढल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने अपनी अलसी को मिक्सर में डाल के इस तरह से महीन पीस लिया है, अब हम इसमें मिक्स करेंगे गुड़ को। ठीक है, तो देखिए इस तरह से गुड़ में अलसी एकदम मिक्स हो जानी चाहिए, और आप चाहें तो पहले पाउडर्ड गुड़ भी ले सकते हैं, या गुड़ का मिक्सर में आप पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि मोटे दाने गुड़ के इसमें रहने नहीं चाहिए, एकदम पाउडर मिक्स हो जाना चाहिए वरना पूरियां फट जाएंगी आपकी। तब तक देखिए ये हमारा डो ढल गया है जिसे 10 मिनट रखा था, इसके हम बराबर बराबर ऐसे लोइयां काट लेंगे और इनमें हम इस तरह से ऐसे इसको कप जैसा कटोरी जैसा शेप देके इसमें हम अलसी और गुड़ का जो हमने मिक्सचर बनाया है, स्टफिंग बनाई है, उसको फिल कर देंगे। बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं बहुत इजीली, इसलिए बनाइए ज़रूर, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। दोस्तों अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं इसे, तो आप तवे पे पराठों की तरह सेक भी सकते हैं हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाकर। तो हम अपनी पूरियां तल लेते हैं। तवे पर सेक भी सकते हैं।
थोड़ा सॉफ्ट रखें, अगर आप हार्ड रखेंगे डो तो पूरियां फट जाएंगी, इसलिए डो अपना सॉफ्ट रखें और ये पूरियां खाएं और सबको घर में खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ कोई शिकायत, कोई क्वेरी और कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।